वरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दीजिए और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दीजिए और मेरी ज़ुबान के ग्रह भी खोल दीजिए ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। रब्बना यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। ऐ हमारे रब, आसान फरमा दीजिए, मुश्किल ना कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह, हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि हम पिछली क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह पहला और दूसरा जुज़ यानी पारा पढ़े थे, बुलेट पॉइंट्स उसके बिल्कुल मुख्तसर ब्रीफ पढ़े थे। अब जो है हम आज तीसरा पारा, तिलकर रसूल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़। क्या है ये जो है ना, रसूल जो भेजे गए, फज़लना फजीलत रखते हैं बाज़ बाज़ से। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बाज़हुम दरजात। बास के क्या है, दर्जे बुलंद है। जैसे और अल्लाह ताला जो है किसी किसी को कुछ फजीलत दी है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत अलग है, ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ अलग मोजज़े दिए, उनकी फजीलत अलग है। हर एक अलग अलग फजीलत का है। और जो है कोई और जो है मुख्तलिफ इलाक़ों में भेजे, बास को जो है बिल्कुल एक छोटे से इलाके के लिए, शहर के लिए भेजे, बास को जो है कंट्रीज के लिए भेजे, बास को जो है यानी कि एक लिमिटेड टाइम के लिए भेजे, और एक ही वक्त में दो दो तीन तीन पैगंबरों को भी भेजे। बाज़ रसूल हैं जिनको अल्लाह ने किताब दी। तो हर एक के जो है ना अलग अलग यानी कि दर्जे हैं, और हम जो है दर्जों में सिर्फ अल्लाह जानते हैं। हम एक दूसरे के दर्जे को बुलंद करने के लिए किसी को नीचा या किसी की तौहीन या किसी को कम नहीं कर सकते, ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारुल अंबिया हैं, आखिरी नबी हैं। आप जो है ना सारे नबियों के इमाम हैं। आप सबसे ऊंचे हैं, फजीलत में सबसे ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यहाँ पे जो है एक मिसाल मैंने आपको देता हूँ। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने उनसे पूछा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हैं, तो उन्होंने कहा मैं बड़ा नहीं बल्कि मेरी उम्र बड़ी है। तो यानी कि यहाँ पे हालांकि वो बड़े थे, बड़े मैं बड़ा हूँ बोले, तो वो भी अल्फाज जो है ना मुनासिब ने समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा हूँ कहने के। तो इसीलिए जो है हद व अदब में रह के जो फजीलत बयान की गई है उसी को ये करना चाहिए, किसी दूसरे पैगम्बर की तौहीन या उनकी जो है फजील उनके दर्जे में उस तरीके के अल्फाज नहीं यूज करने चाहिए। तीसरे पारे में जो है ना दो सूरतें बहुत यानी दो आयतें बहुत ऊंची आयतें हैं फजीलत के एतबार से। तो यहाँ पे अल्लाहु ला इलाहा जो सब हम सब जानते हैं आयतल कुर्सी, जो इसको क्या है ये आयत मुबारा जिसका लफ्ज़ आयतल कुर्सी कहते हैं, जिसको हदीस में आज़म आयत यानी सबसे बड़ी आयत किताबुल्लाह फरमाया है। इसमें हक ताला अपनी हक ताला शान हो अपनी तौहीद और ज़ाती कमालात उनके जो है अल्लाह ताला की, जैसे सोता नहीं है, ऊँगता नहीं, इस तरीके के उसके जो है सिफत बयान की गई है, क्वालिटीज़ बयान की गए हैं, और अजमत और शान बयान की गई है इसमें, इस आयत में। इसमें जो है एक रिवायत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लकड़ी के इस मिंबर पे ये कहते हुए सुना है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो इसको मौत के सिवा कोई चीज़ जन्नत में जाने से नहीं रोकती, और जो शख्स आयतुल कुर्सी को सोते वक्त पढ़े तो अल्लाह ताला उसके और उसके पड़ोसी के और जितने मकानात इस मकान के गिर्द हों यानी कि इसके अतराफ में, जैसे अब मैं इस घर में पढ़ा है जहाँ पे हम हैं वहाँ पढ़े, तो इसके अतराफ में जितने हमारे नेबर्स हैं उन सब के घरों में अमन रहता है। तो ये हदीस शरीफ मिश्कात और बेहकी में आई हुई है। तो नमाज के बाद तो हम पाबंदी से पढ़ते हैं, तो हर नमाज फर्ज नमाज के बाद इसको पढ़ना चाहिए, तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, और सोते वक्त इसको पढ़ना चाहिए। एक रिवायत में है कि हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि आँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा में एक आयत है जो तमाम आयात कुरान की सरदार है,
यानी कि इमाम है, सबसे लीडिंग उस पर है। सबसे बड़ी आयत कौन सी है? आयतल कुर्सी है। ये भी एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत किए हैं। वो आयतल कुर्सी है, जिस घर में पढ़ी जाती है शैतान उससे निकल जाता है। अलगर्ज़ इस आयत मुबारक की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए ज़रूरी है कि यह हर मुसलमान और हर नमाजी को खुसूसन याद होना चाहिए। उम्मीद है कि आप सबको याद होगी। इसका छोटा सा हम ट्रांसलेशन भी करते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, माली इबादत हो यानी कि बदनी इबादत हो या जो है आपकी जुबान की इबादत हो, सारी खौली इबादत जिसको कहते हैं, ये सब इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह नहीं और उसके इबादत के कोई लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। किसी की इबादत नहीं की जाएगी, चाहे पैसे की हो या है बॉडी से की जाए या जुबान से की जाए, सब अल्लाह के लिए है। अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह ताला हमेशा जिंदा बाकी रहने वाला है। हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। बाकी सारी मखलूक, दुनिया की हर मखलूक जो मौत आने वाली है और मौत के बाद फिर दोबारा जिंदा होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के अलावा कोई नहीं है जो हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला है। क़य्यूम का कहना, जिसका नाम अब्दुल क़य्यूम हो उसको पूरा नाम लेकर बुलाना और पुकारना चाहिए, महज क़य्यूम कहकर पुकारना नाजायज़ है। बस लोगों के नाम होते हैं क़य्यूम, ऐसे नाम नहीं पुकारना चाहिए। उसके साथ हमेशा अब्दुल क़य्यूम, अब्द अल्लाह का क़य्यूम का बंदा। और जो है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वे बदर में मैंने एक वक्त ये चाहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं। जब जंग बदर जब हुई थी तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं कि वो क्या कर रहे हैं। पहुँचा और देखा कि आप सजदे में हैं और बार बार या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम कह रहे हैं। बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से जो है आपको अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा दिया था उनके हाथ में कि मुर्दे को ज़िंदा करते थे, तो क्या करते थे? जब वो आप इरादा करते मुर्दे को ज़िंदा करते तो या हय्यू या क़य्यूम पढ़कर दुआ करते और मुर्दे से कहते कुम बी इज़्निल्लाह, मुर्दा इसी वक्त उठ के खड़ा, उठ जा अल्लाह के इज़्न से। तो ये नाम जो है बहुत ऊँचा है। हम जब दुआ करते हैं तो ये दुआ शामिल करना चाहिए, या हय्यू या क़य्यूम। और जो है अब आगे की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, क्या है अल्लाह ताला, ना ही अल्लाह ताला को ऊँग आती है और ना नींद आती है। आप अंदाजा कर सकते हैं अगर नींद आ जाती अल्लाह ताला को तो पूरा निज़ाम, दुनिया का जो है सिस्टम है वो बिल्कुल नहीं चल सकता था। आप देखते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कुछ स्टडी कर रहे हैं, तब थोड़ी भी ऊँग आ गई तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म हो जाता और चीज़ें जो है आप नहीं कर पाते। तो अल्लाह ताला को इसीलिए ना नींद आती है क्योंकि पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम अल्लाह तबारक ताला चला रहे हैं। अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाती, और क्या है जो कुछ लहू मा फिस समावाती वा मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है सब अल्लाह का है। जो जो भी चीज़ें हैं सब अल्लाह के हैं। मंज़ल लज़ी यशफ़ौ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, जो उसके पास सिफारिश, जो आपकी जो है अल्लाह के पास किसी को बख्श देने की, किसी को माफ़ करने की कोई सिफारिश नहीं कर सकता जब तक के अल्लाह ताला, रिकमेंडेशन नहीं कर सकता कोई भी जब तक के अल्लाह उसको इजाज़त ना दे कि रिकमेंडेशन करें आप बोल के। या आलमु मा बैना अईदिहिम व मा खल्फहुम, और अल्लाह ताला क्या है वो जानता है जो मौजूद है, जो हाजिर है यानी कि जो आपके सामने है वो भी अल्लाह जानते हैं, जो आपके दिल में है, जो इंटर है आपके, वो भी अल्लाह तबारक ताला जानते हैं। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, और उसका क्या है अहाता किया हुआ है उन सारे इल्म का, अल्लाह ताला को पता है सारी चीज़ों का इल्म अल्लाह को है। और मखलूक को जो इल्म दिया, जो हमको जो इल्म दिया गया है, साइंटिस्ट को जो इल्म दिया गया है, डॉक्टर्स को, जितने लोगों को जो इल्म है वो इल्म किसका है? अल्लाह ही ने अपना इल्म में से कुछ दिया है। तो इससे पहले जो है ना, शायद मैं पिछली क्लास में बताया था, अल्लाह तबारक ताला की शान के लिए ही अल्लाह ताला अपने कुरान में ही फरमाते हैं कि सात समंदर को स्याही बनाया जाए और सात, और जो है दरख्तों के क्या है आपको कलम बनाए जाए, पेन बना दिए जाए, फिर अल्लाह की जो है बड़ाई लिखी जाए, लिखती जाए तो भी अल्लाह की बड़ाई ख़त्म नहीं होती। इतना बड़ा अल्लाह तबारक ताला का इल्म है, उसकी शान है।
तो फिर और आगे बढ़ते हुए हम ये पढ़ते हैं कि वसीअ कुर्सीयुस समावाती वल अर्ज़, और कुर्सी का बयान है यहाँ पे, कुर्सी यानी कि अहाता की हुई है अल्लाह ताला आसमान और जमीनों पे, उसका इल्म अहाता किया हुआ है, उसको कवर किया हुआ है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीउल अज़ीम, और क्या है, अल्लाह तबारक ताला अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वो सबकी हिफाजत करता है। और एक आयत जो है यहाँ आगे और सूरह बकरा की आयत में से, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यना रुश्द मिनल गय्य, दीन में जबरदस्ती नहीं है, हिदायत यकीनन गुमराही से मुमताज हो चुकी है। यहाँ पे जो है ना, किसी को कोई भी जो है जबरदस्ती के दीन में नहीं ला सकता। आप जो है बेहतर तरीके से अच्छे अंदाज में उसको दावत देना है, उसको अच्छी बात समझाना है, लेकिन जोर जबरदस्ती दीन में नहीं है। इस आयत का शान नुज़ूल कब, ये आयत आई थी, एक अंसारी थे जो खुद तो मुसलमान हो गए थे, उनके दो लड़के अभी जो है ईसाई थे पहले वाले मजहब पे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज किया कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं इन लड़कों को जबरन यानी जबरदस्ती मुसलमान बना लूं। इस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरन मुसलमान करने की इजाजत ना दी, यानी जबरदस्ती के किसी को दीन इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है हमको अल्लाह तबारक ताला की हिदायत है कि हम मोहब्बत और उससे जो है उसको दीन में ले आना है। और एक जो है वाकया यहाँ पे लिखा है इस ताल्लुक से, मदीने में यहूद अहले किताब समझे जाते थे और बुत परस्त मुशरिकिन जो आइडल्स की जो पूजा करते वो लोग भी थे, इनके मजहब को बेहतर समझते थे। आइडल्स जो पूछते थे वो लोग बोलते थे कि भाई इनके पास किताब वाला मजहब है, ये लोग यहूद जो है बेहतर है हमसे। इस तरह इनके बहुत से बच्चे यहूदियों के पास थे, ये लोग क्या करते थे, उनको जब बच्चे होते थे तो वो यहूदियों को दे देते थे, कह रहे भाई ये नो अच्छे हैं, हमारे से अच्छे, हम तो ये बुत परस्त हैं, तो उनको दे देते थे। जब मदीने में इस्लाम आया और ये मुसलमान होकर अंसार मदीने बने, तो बाज अंसार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, जब ये सब मुसलमान हो गए इनके पेरेंट्स, तो बाद में जो है ये अपने बच्चों को यहूदियों को दे दिए थे, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले कि हम बच्चों को लेके उनको फिर से अब मुसलमान बना सकते हैं क्या। तो यही उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबरदस्ती उसको नहीं बना सकते, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, दीन में जबरदस्ती नहीं है। उसके बाद जो है और एक आयत, अलम तरा इलल लजी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन अताहु अल्लाहुल मुल्क इद قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग भी है, तो इसलिए मैंने इसको ये आयत को लिया है। तो यहाँ पे जो है ना अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, क्या आपने नहीं देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किसी ने बहस की रब्बी अन अताहु परवरदिगार के बारे में, इस वजह से कि खुदा ताला ने इसको सल्तनत दी थी। एक बादशाह से आपकी बहस हुई थी, उसने बहस की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, वो आगे वाक़ आ रहा है नमरूद का। इस खौला इब्राहिम, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अल्लज़ी मेरा रब परवरदिगार ऐसा है कि युही व युमीत, वही जिंदा करता है वही मौत देता है, तो उसने क्या बोला था, खौला अना उही व उमीद, उसने बोला था मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल इसमें वाकये में पढ़ेंगे। नमरूद बादशाह था, हजरत इब्राहिम से नाहक झगड़ा किया उसने। यहाँ पे क्या है, बादशाह मुल्क व सल्तनत का जिक्र है, इससे मुराद नमरूद है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तौहीद खुदावंदी के बारे में झगड़ा और बहस की थी, जो इस जमाने का बड़ा जाबिर जुल्म करने वाला बड़ा सरकश अल्लाह का नाफरमान था ये, और जो है इसने खुदाई का दावा किया था, नमरूद ने जन्नत भी बनाई थी इसने, करने लगा था और लोगों से अपने को क्या है सजदा भी करवाता था। इब्राहिम सलाम ने जब नमरूद को तौहीद की दावत दी, उससे कहा कि भाई अल्लाह एक है उसकी इबादत करना चाहिए, तो उसने आए तो उसे सजदा ना किया। जब पहुंचते थे तो उस बादशाह के पास क्या होता था निज़ाम के, उसको सजदा करना पड़ता था, लेकिन इब्राहिम सलाम जब तौहीद की दावत लेके गए तो उसको सजदा नहीं करे। तो नमरूद ने पूछा और लोगों की तरह तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने रब के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा रब तो मैं हूँ, वो अपने आप को खुदा समझता है, उसने बोला था कि रब तो मैं हूँ, आपने जवाब दिया कि मैं हाकिम को रब नहीं मानता, तुम तो एक हाकिम हो यानी बादशाह हो, तुम दुनिया को चलाने वाले हो, मैं तुमको रब नहीं मानता, मेरा रब तो वो है जो
जिलाता है, जिंदा करता है और मारता है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से अल्लाह तबारक तआला की ऐसी दो सिफात का जिक्र किया जो बिल्कुल वाज़ह थी, जो बिल्कुल क्लियर है। यानी कि दूसरी चीज़ों को फिर भी बंदा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये दो बातों में तो कोई इसको ये नहीं कर सकता, किसी को कोई जिंदा नहीं कर सकता, किसी को कोई मार नहीं सकता। और जिनका रोज़मर्रा की जिंदगी में नमरूद भी मुशाहिदा करता था, वो बादशाह को भी पता था कि वो किसी को मार नहीं सकता और किसी को जिंदा नहीं कर सकता, मरे हुए आदमी को। यानी मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है जिंदगी देता है और जिसे चाहता है मौत देता है। नमरूद की जो है ना जिद थी, वो उसने क्या किया, जिसको चाहा मारता हूँ। और उसने क्या बोला, मैं जिसे चाहता हूँ मारता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिंदा करता हूँ, मैं ही खुदा हूँ बोल के। फिर उसने क्या किया, एक कैदी को बुलाया, कैदी को बुला के क्या करा, उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करके बोला, देखो मैं इसको मार दिया, ये जिंदा था पहले, अब मैंने इसको मार दिया। फिर उसके बाद क्या करा, एक कैदी को बुलाया, दूसरे कैदी को बुलाया और उसको जो है ना उसकी सजा हो चुकी थी तो उसको छोड़ दिया, बोला देखो मैं इसको जिंदा कर दिया। तो फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कौला इब्राहिम, फिर फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ। तो क्या करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बोले के बेशक अल्लाह ले आता है सूरज को मशरक से और तुम ले आओ मगरिब से, बिहा मिनल मगरिब, और क्या है, क्या बोले, अल्लाह ताला लाते हैं मशरक से, तुम उसको क्या करो मगरिब की तरफ से लाओ, दूसरी बिल्कुल डायरेक्शन में से, इससे आता वेस्ट पे लेके आओ। तो इस पर क्या होगा, फबुहत लजी कफरू, फिर क्या हुआ, वो जो है इक्का फिक्का हो गया, जैसे बोलते हैं ना, वो बिल्कुल उसको ये करने सका, वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता जालिम लोगों को, जालिम कौम को। यहाँ इस पर थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हम पढ़ते हैं, मनाजरे में दोनों का जब बातचीत हुई तो हजरत इब्राहिम सलाम समझ गए कि नमरूद जिद और ढटाई पर तुला हुआ है, जिद पे जो टूटा हुआ है वो ये समझ रहा है कि मैं ही खुदा हूँ, इसलिए आपने फौरन एक ऐसी दलील पेश कर दी जिसके सामने नमरूद बिल्कुल बेबस होगा। फिर उसके बाद इब्राहिम सलाम ऐसा क्वेश्चन कर दिए जिससे जो है वो बिल्कुल उसका जवाब नहीं दे सका, बिल्कुल बेबस हो गया और उसकी ढटाई की भी पेश ना चल सकी और जो जिद कर रहा था वो भी ना चल सकी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद खुदावंदी के सबूत में यह दलील पेश कर दी कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से रोज निकालता है, तो अगर खुदाई का दावेदार है तो इसको उल्टा करके बता दे, यानी कि अल्लाह जब मशरिक से निकाल रहा है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन जहां पे चले जाता सूरज उसकी तरफ से निकाल, इसको सनसेट जहां होता है वहां से निकालो। और इस पर वो नमरूद काफिर हैरत जदा हो गया और उससे इस दलील का कोई जवाब नहीं बना, उसका कोई उसने जवाब नहीं दे सका। अल्लामा इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा है कि एक मच्छर नमरूद के नथने यानी नाक में घुस गया था और 400 साल तक उसका दिमाग चाटता रहा। 400 साल तक एक छोटा सा मच्छर इतने बड़े बादशाह का, जिसने जन्नत बनाई थी अपने दुनिया में, उसके जो है ना एक छोटा सा मच्छर अल्लाह तबारक तआला कैसे उसके दिमाग में पहुंचाया और 400 साल तक वो उसको अंदर चाटते रहा और ऐसे सख्त अजाब और तकलीफ में मुब्तला रहा कि इसकी जिंदगी से मौत हजार दर्जे बेहतर थी, यानी उसका जिंदा रहने से बेहतर मर जाना बेहतर था। अपना सर वो दीवारों पर और पत्थरों पर मारता था, हथौड़ों से कुचलवा मारने लगाता था, बड़े बड़े हथौड़े लेके सर पे मारते थे उसके, यूं ही तड़प तड़प कर हलाक हुआ और अपने अंजाम में बद को पहुंचा। तो ये जो है ना नाफरमानी जब किए थे तो अल्लाह ताला जो है एक छोटा सा मच्छर बिल्कुल बजाहर आंखों से भी देखना जरा मुश्किल ही होता अगर दूर रहा तो, वो जो उसकी नाक में चले गया और उसको 400 साल, पहले की उम्रें बड़ी होती थी, 400 साल से गलत ये नहीं लेना चाहिए कि 400 साल कैसे, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल से ज्यादा उम्र पाई थी, तो पहले के लोगों की उम्रें बड़ी बड़ी होती थी। औकल लजी मर अला खरियतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिहा قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه। यहां पे भी एक अल्लाह ताला की एक उसको बयान की गई है शान करीमी को
यहाँ पे एक शख्स थे कि एक बस्ती पर ऐसी हालत में इनका गुजर हुआ कि इसके मकानात अपनी छतों पर गिर गए, पूरे खंडर बन गया था वहां पर जो गांव था या शहर था। कहने लगा कि ये जो मर चुके हैं पीछे किस लिए, कैसे उनको जिंदा करेंगे। ये असल उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक बस्ती पर से गुजर हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 600 साल पहले, 600 ईयर्स बिफोर जो है, बनी इसराइल की मजहबी और दीनी हालत बड़ी खराब थी। यानी सब गंदगी, गुनाहों में लुपुत शिर्क करते थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह के अलावा किसी और को भी पूछते थे। तो ये 600 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब थे, तो क्या हुआ, नसीहत करने और समझाने पर जब कोई पैगम्बर उनको समझाता, नसीहत करता कि ये छोड़कर जो है अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को मानो, शिर्क ना करो, तो क्या करते थे, उनको तकलीफें देते थे, हत्ता के बाद पैगम्बरों को उन्होंने कत्ल तक कर दिया। तो अल्लाह ताला ने कानून कुदरत के मुआफिक शाबिल, जिसका नाम बख्त नसर था, एक बादशाह था बख्त नसर नाम जिसका था, वो यहूद जो थे उन पर मुसल्लत कर दिया था। जैसे आज आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग मुसलमान सारे नाफरमान हो गए, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, शिर्क में डूबे हुए हैं, बहुत सारे गुनाहों में मुलव्विस हैं। तो हम पर भी जो है ना ऐसे बादशाहों को ला के बिठा दिया है जो जालिम है। बख्त नसर भी जो है इसी तरीके से था। बनी इसराइल पर उसने चढ़ाई की और यहूद के मशहूर शहर यरूशलम, उनके एक शहर है ना जेरूशलम बोलते हैं इंग्लिश में जिसको, यरूशलम जो फलस्तीन इसराइल में है, उसको क्या करा, जलाकर बर्बाद कर दिया। और यहूदी के इबादत गाहों, जिनके जैसे हमारी मस्जिदें आज तबाह हो रहे हैं, ऐसी जो है उसने क्या किया था, वो तबाह कर दिया था उन लोगों के इबादत खाने जहाँ पे यहूदी इबादत वगैरह जो करते। बनी इसराइल की बस्तियां बर्बाद कर दी और मकानात पूरे घरों को तोड़ दिया। जैसे हमारे घरों को बहुत सारे क्या कहते हैं आपके कंट्रीज में तोड़ रहे हैं, बमों से उड़ा रहे हैं, मुसलमानों को तकलीफें दे रहे हैं। तो ये भी जो है ना उनके साथ यही हो रहा था। बनी इसराइल को गिरफ्तार करके, बास को जो है गिरफ्तार भी करके उनको गुलाम बना लिया था, नौकर बना के काम करवाते थे और बहुत सारों को कत्ल भी कर दिए थे। तो ये जो है ना वो हालात बने थे जब उस वक्त। तो वो खंडर से जब गुजरे उज़ैर अलैहिस्सलाम, तो फिर उन्होंने क्या करे, उधर से उनका गुजर हुआ तो ये नबी वही थे उज़ैर अलैहिस्सलाम या कोई और थे, इसमें इख्तलाफ है मुफसरीन का, लेकिन बहुत सारे मुफसरीन कहते हैं कि ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। जब आपका गुजर वीरान बस्ती पर हुआ जिसके तमाम लोग मर चुके थे रहने वाले, और जिसकी इमारतें सब जितने घर थे वो सब गिरे हुए थे और वीरान हो गए थे, और तबाही का मंजर देखकर बतौर हसरत, हसरत और ताज्जुब से क्या करे, अल्लाह के नबी ने इस बस्ती वालों को दोबारा किस तरह जिंदा करेंगे बल्कि अल्लाह से सवाल करे। मकसूद इस कहने से ये था कि मर कर दोबारा जिंदा होने की कैफियत का मुशाहिदा करना चाहते, वो देखना चाहते थे प्रैक्टिकली के कैसे मरने के बाद जिंदा होंगे। ये मतलब नहीं कि यानी कि ये मतलब नहीं था कि अल्लाह ताला क़यामत में जिंदा नहीं करेंगे बल्कि, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें कैफियत अहिया का उनको जो है ना कैसे जिंदा करते हैं अल्लाह ताला ने बताया उनको। तो क्या करे वो कि जगह उनकी उसी जगह पे उनकी रूह को कब्ज करके इनको 100 ईयर्स तक उनको मुर्दा रखा, यानी कि उनका इंतकाल होने के बाद 100 साल तक वो मरे हुए पड़े रहे। और इनकी सवारी एक गधा था, गधे पे वो आए थे तो गधा भी वहीं मर के पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद कौल अलम लबिस्ता, पूछा कि तुम कितनी मुद्दत में रहे, फिर अल्लाह ताला क्या करे उनको फिर दोबारा जिंदा करे। तो पूछे तो कि तुम कितनी दिन तक जिंदा रहे, कौल लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, तो उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि थोड़ा एक दिन या उससे भी कुछ थोड़ा। तो कौल बल लबिस्ता मीअत आमिन फंज़ुर इला तुआमिका व शराबिका लम यतसन्नह, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अल्लाह ताला, बल्कि नहीं तुम देखो तुम 100 साल तक मरे रहे। फिर फरमाया के देखो तुम्हारे खाने को, तुम्हारा पानी जो रखा हुआ था, पानी को, पीने की चीजों को, लम यतसन्ना, नहीं सड़ी गली, और ये क्या है इवन सड़ी गली ने 100 साल तक जैसे कि वैसी थी। और क्या बोले, वंजुर इला, और देखो हिमारी का आपके गधे को, वली नज अला का आयत लिन्नासी, और हमने क्या करे उसको बनाए हैं लोगों के लिए निशानी। वंजुर इला इज़ामी, और देखो इसकी हड्डियों को, क्या है वो टूट के फूट के गिरा हुआ था, तो बोले अल्लाह ताला देखो अब इसकी हड्डियों को हम कैसे जोड़ते हैं, कैफा नुंशिज़ुहा, कैसे हम इसको जोड़ते हैं।
सुम्मा नकसूहा लहमा, और कैसे उस पर गोश्त हम चढ़ाते हैं। फिर अल्लाह ताला क्या करे, उस पे जो मरा हुआ गधा था उसके हड्डियों को जोड़े, जोड़ने के बाद फिर उसके ऊपर गोश्त कैसे चढ़ता है वो देखे। तो फिर क्या हुआ, 100 साल बाद हजरत अलैहिस्सलाम और आपकी सवारी का जिंदा होना। गुज़िश्त हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर मौत वारिद फरमा दी। यहाँ बताया जा रहा है कि 100 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह ताला उन्हें जिंदा किया। इस पीरियड में ना किसी ने उनको वहां आकर देखा, ना उनकी खबर हुई। इस पीरियड में जो बादशाह भी मर गया और किसी कोई दूसरा बादशाह भी बन गया, वो वहीं मरे पड़े थे। इस मुद्दत में शहर यरूशलम जेरूशलम को दोबारा आबाद किया गया। फिर 100 बरस के बाद जब उज़ैर अलैहिस्सलाम जिंदा किए गए, तो 100 बरस पहले उनका खाना और पानी बगैर किसी सड़े गले, उसमें ना बोह भी ना खराब हुआ, कि उसी तरह पास रखा हुआ था। उनका गधा मर चुका था, इसका गोश्त पोश गल सड़ कर खाक हो गया था, मट्टी में मिल गया था गोश्त वगैरह, सिर्फ हड्डियां पड़ी हुई थी। तो फिर क्या हुआ, वो अल्लाह ताला जो है ना खुद या बजरिए फरिश्ते के पूछा कि कितनी मुद्दत से सालत में रहे, या अल्लाह ताला डायरेक्ट पूछा या फिर फरिश्ते के जरिए पूछा गया तुम कितने दिन तक मरे रहे। तो उन्होंने कहा था कि दिन के शुरू हिस्से का थोड़ा दिन या गुरूब आफ्ताब के करीब, या दोबारा जिंदा किए गए। फिर उसके बाद जो है ना एक दिन या एक दिन से थोड़ा मरा, तो फिर उनको अल्लाह ताला जिंदा किए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जवाब में अर्ज किया कि एक दिन रहा, एक दिन से भी कुछ कम। इस पर हक़ ताला उन्होंने बतलाया कि तुम इस हालत में मौत में 100 साल। फिर बताए कि उनको फरिश्ते अल्लाह ताला कि आप 100 साल तक मुर्दा रहे। अब यहाँ पे और एक वाकया है, ये भी थोड़ा दिलचस्प है, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहयील मौता, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे रब, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे जिंदा करते हैं, मुर्दे को कैसे जिंदा करते हैं। क़ाला अवलम तुमिन, तो फिर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया क्या तुम यकीन नहीं रखते। सवाल किया अल्लाह ताला फिर दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या तुम यकीन नहीं रखते। क़ाला बला, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों नहीं, वलाकिन लेकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, मेरे दिल के इत्मीनान के लिए चाहता हूँ। मैं तो आप पे ईमान रखता हूँ, आपके मुर्दे को जिंदा करते हैं, लेकिन मैं दिल के इत्मीनान के लिए आपसे चाहता हूँ कि मैं देखूँ ये। तो फिर क्या हुआ, एक मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का गुजर समंदर के किनारे हुआ, समंदर के किनारे हुआ तो देखा कि बीच के पास एक आदमी मरा पड़ा था। जब समंदर का पानी जोश, जब समंदर तेज चल रहा था तो खुश्की पर जब समंदर अंदर मट्टी में आ जाता ना, तो जब मट्टी में आता था तो मछलियां उस लाश को खाती थी। कुछ मछलियां वो पानी के साथ आते थे और उस लाश को जो पड़ी हुई थी आदमी की उसको खाते थे। जब पानी उतर जाता, जब पानी नीचे हो जाता, तो जंगल के दरिंदे आके, जंगल के जो वाइल्ड एनिमल्स होते वो आके जो है उसको खाते थे। जब दरिंदे चले जाते तो परिंदे, चील वगैरह, ऊपर से ईगल या दूसरे बर्ड्स वगैरह आके उसको खाते थे। हजरत इब्राहिम सलाम ने यह देखकर फरमाया तो ख्याल हुआ कि एक लाश के इतने पीसेस हो गए, कितने पीसेस बन गए, इसका गोश्त निकल गया, क़यामत के दिन क्यों कर जमा होगा। तो ये पूरे दिनों खा लिए, मछली खा लेके चले गई, परिंदे कुछ खा लिए और कुछ जो है एनिमल्स खा लिए, तो फिर ये अल्लाह ताला कैसे इनको जोड़ेंगे बोल के वो पूछे। तो एक लाश के इतने टुकड़े हो गए तो ये क़यामत में फिर कैसे जिंदा होगा और ये किस तरह दोबारा जिंदा होगा। यूं तो अल्लाह तबारक ताला की कुदरत की कोई नहायत नहीं, अल्लाह ताला तो बहुत बड़े हैं, अजीम हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, उसी के हाल में सारे चीजें, इन्ना अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर हैं। वो जिस कैफियत से चाहे मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, और बेशुमार कैफियतें अक्लन मुमकिन हैं, यानी इंसान सोच बीता है वो भी मुमकिन है और ना सोचा वो भी मुमकिन है। तो वहां पे क्या करे, दुआ किए थे तो उसका अल्लाह ताला जो है हुक्म दिए, दुआ की कबूल होने के बाद उसको क्या करे, अल्लाह ताला बोले क़ाला फ़खुज़ अरबातन मिन अत्तैर, इरशाद रब्बानी हो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा तो तुम 4 बर्ड्स को ले लो, फिर इनको अपने लिए बुलाओ, फ़सुरहुन्ना इलैका, फिर अपनी तरफ उसको बुला लो, थुम्मज्अल अला कुल्ली जबलिन, और फिर क्या करो, पहाड़ पर उनका एक एक हिस्सा रख दो। वो बर्ड्स को टुकड़े करके एक एक हिस्सा 4 पहाड़ों पे 4 बर्ड्स के मुख्तलिफ
मिक्सअप करके उसको रख दो, बोले जुस तुम वो हुन्ना, फिर क्या है, फिर उन सब को बुलाओ, फिर क्या करो तुम उनको, सुम्मद वो हुन्ना, फिर सब उनको बुलाओ, या आती ना का सा आया, तुम्हारे पास आ जाएंगे, दौड़ के आ जाएंगे तुम्हारे पास। वा अलम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, और जान लो कि बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाले हैं। दुआ के कबूलियत का मुशाहदे की सूरत, हक ताला ने हजरत इब्राहिम सलाम की दरख्वास्त कबूल फरमा कर उनके मुशाहदा उनको जो है दिखाया कि कैसे मुर्दा को जिंदा फरमा करते हैं अल्लाह तबारक ताला। तो क्या है वहां पे, चार परिंदे अल्लाह ताला उसको जो है लेने के लिए बोले, एक क्या बोलते हैं मोर कबूतर, पिकॉक कबूतर मोरक और जो है कौवा, ये चार परिंदों को लेके यहाँ पे हजरत अब्बास बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मनकोल है कि वो चार परिंदे क्या थे, मोर कबूतर मुरख और कौवा, ये चारों को लेके क्या करे आप। हजरत इब्राहिम सलाम ने इसी तरह चारों परिंदों को पाल करके बुलाया और फिर जुबाह करके इनके क्या करे उनको मिला दिया, खीमे को जुदा जुदा पहाड़ों पर रखा, उनको क्या है टोटल चारों को काट के फिर सबको मिक्स कर दिया, सारा गोश्त पर उनके पर वगैरह जो थे सबको मिक्स करके चार हिस्से बना दिए, उसके चार हिस्से बना के उनको क्या करे एक एक आपके उस पे पहाड़ पे एक एक पहाड़ पे उसको चारों को रख दिए, फिर उसको बुलाए तो क्या हुआ वो सारे फिर जमा होकर अपने अपना गोश्त को एक जगह बन गया, मोर मोर बन गया, फिर कबूतर कबूतर बन गया, मुरक मुरक बन गया और कव्वा कव्वा बन के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए। और एक यहाँ पे खर्च के बारे में आयत है, मसल लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, मिसाल है ऐसी उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में, कम असली हब्बतिन अम्बतत सबा सनाबिला, या क्या है उनकी मालों की हालत ऐसी है जैसे एक दाना की हालत जिससे सात बाले, सात जो है वो आप गेहूं का अगर से प्लांट देखे तो मालूम होगा उसमें से आपको बारीक बारीक निकलते हैं, तो क्या होता है एक उसमें से एक दाना डालते हैं लेकिन एक दाने से कितने निकलते हैं सात बाले, फी कुल्ली सुम्बुलतिम मीअतु हब्बा, और वो एक एक सुम्बुल में क्या होते हैं सौ सौ दाने होते हैं, वो एक बाल में क्या होते हैं सौ सौ दाने होते हैं। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और अल्लाह बढ़ाते हैं जैसे चाहे, जिसके लिए चाहे चीजें अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसअत वाला और जानने वाला है। तो यहाँ क्या है अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने वाले की मिसाल अल्लाह ताला बयान किए हैं, जो जो भी मिसालें अल्लाह ने दी हैं वो ऐसे परफेक्ट और जो है इंसान को समझ में आने वाली मिसालें होती हैं, फौरी उससे बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाती है। यहाँ पे मिसाल ऐसी दी है कि गुज़्त के क़यामत में जिंदा मौत का तो हमने पढ़ लिया, चुनाचे इरशाद है कि जो लोग अल्लाह की राह में यानि खर्च करते हैं अपने मालों को खर्च करते हैं उनके खर्च किए हुए माल की हालत अल्लाह के पास ऐसी है जैसे एक दाने की हालत जिससे सात बन गए, सात से सौ यानी कि सात सौ हो गए, इसी तरह खुदा ताला एक कार्य खैर का सवाब सात सौ हिस्से तक बढ़ा देता है। यानी आप क्या चीज़ देते हैं वो अल्लाह के पास कितनी नीयत से देते हैं तो उसके हिसाब से अल्लाह ताला उसका अजर अता फरमाते हैं, नीयत पे दारोमदार है। आप छोटी चीज भी अगर से नीयत अच्छी हो अल्लाह के लिए दे रहे हैं तो आप वो अल्लाह के पास मकबूल है और उसकी कदर व कीमत ज्यादा है और उसको अल्लाह ताला बेहिसाब भी देते हैं, सात ने सात सौ नहीं बल्कि बेहिसाब देते हैं। और दूसरी आयत में जो है जो सदका दे के किसी को जताते हैं कि एहसान जताते हैं, अरे हमने दिया था आपको फलाने बोल के बातें करते हैं दूसरों के सामने, तो उनके बारे में अल्लज़ीना युन्फिकून अमवालहुम, और वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा ला युतबिउन मा अन्फकू, वो क्या करते हैं फिर एहसान जतलाते हैं ना और ना एहसान जतलाते हैं और ना तकलीफ देते हैं आजार पहुंचाते हैं, वला अदन और ना उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, लहुम अजरहुम है उनका है क्या है हमारे पास इंदा रब्बिहिम अपने रब के पास अजर है, वला खौफुन अलैहिम और ना उनके लिए डर है और ना उनके लिए गम है और ना वो डरेंगे और ना वो गमगीन होंगे। किसी को सदका देने के बाद एहसान ना जतलाना और ना उनको तकलीफ देना, इस आयत में सदक़े के कबूल होने की दो
शर्तें हैं, बयान फरमाई गई। एक यह है कि देकर एहसान ना जताना किसी, अगर अल्लाह के पास कबूल होने की क्या है, दो शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि आप किसी को दे रहे हैं तो उसको बाद में दे के भूल जाना, एक हाथ को दें तो दूसरे हाथ को नहीं। क्या कहते हैं कि हमारे उर्दू लैंग्वेज में, नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि डालने के बाद बिल्कुल भूल जाएं आप उसको। इसी तरीके से जो है उनको दे देने के बाद आप बिल्कुल भूल जाना और जो है उनका किसी के पास जिक्र नहीं करना, ना ही वो मिले तो उनको एहसान जताना, मैं पिछली बार आपको ये मदद की थी, आप फलाने किया था जब आप परेशानी में, तो मैं आपकी ये परेशानी दूर की थी, तो ये एहसान जतलाना है, ये एहसान नहीं जतलाना तो फिर आपका सदका कबूल नहीं होगा। दूसरे कि जिसको दिया जाए इसको जलील ख्वार ना समझे, और आप दिल में भी नहीं समझ, अरे ये तो ऐसी है इसीलिए मेरे को इसको देना पड़ा, ऐसा बर्ताव ना करें जिससे वो अपनी हकार और जिल्लत महसूस करे या जिससे इसको इजा पहुंचे, यानी उसको तकलीफ पहुंचे, ऐसी आप कोई बात कहें ना उसके साथ ऐसा एक्ट करें। सदका और खैरात के बाद एहसान जतलाना सिर्फ ये कि अजर सवाब को बाकी नहीं रखता, बल्कि अजखुद ये नहायत बड़ा गुनाह है, यानी आपका पहले तो सदका भी चले जाएगा और बहुत बड़ा ये गुनाह भी है। इसलिए बार बार हक ताला व सुभानहू इसकी ताकीद व तंबीह फरमाते हैं, सदका देकर एहसान जतनाने की बुराई और ममानियत अहदीस में बहुत आई है। सही मुस्लिम में है कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन किस्म के लोगों से अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात ना करेंगे। क्या? अल्लाह तबारक ताला बात नहीं करेंगे। किससे? तीन लोगों से। ना उनकी तरफ नजर रहमत करेंगे, अल्लाह अकबर, नजर रहमत ना करे तो फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ना उन्हें पाक करेंगे, हम सब बंदे, सारे के सारे बंदे नापाक हैं, सब गुनाहों में मुलव्विस हैं, अगर अल्लाह ना रहमान रहीम क्या है, अल्लाह ताला रहमत की नजर से भी ना देखेंगे, ना उन्हें पाक करेंगे, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। अल्लाहुम्मा अइज़ना मिन्हुम अन्हुम। एक तो देकर एहसान जतलाना वाला, दूसरा ये भी जो है ना छोटा सा चीज है लेकिन अल्लाह माफ फरमाए हमको, कि दूसरा टखनों से नीचे पाजामा और तहबंद लटकाना। कोई भी चीज पहन रहे आप, पैंट हो, पैजामा हो, या कोई भी मर्द मेल्स के लिए, मर्द बच्चों के लिए, तो ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे टखने ना ढकें। अगर टखने ढकेंगे तो भी ये हदीस में है कि उसको अल्लाह ताला यानी बहुत बड़ी है, ये है वईद है इसमें अल्लाह ताला का जो है अजाब का, क्या है, क़यामत में बात नहीं करेंगे, ना उनकी तरफ नजर रहमत देखेंगे और ना उन्हें पाक करेंगे, तो अब तो हमारा क्या हाल होगा। तीसरा, अपने सौदे को झूठी कसम खाकर बेचने वाला, ये भी गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तीन गुनाह आज दुनिया में बहुत ज्यादा हैं। एक तो जो है आपके एहसान, किसी के साथ थोड़ा एहसान करे तो उसे बहुत ज्यादा लोगों के सामने बयान करके उसके दिल को तकलीफ देना। दूसरा जो है तकरीबन 99% लोग इसमें मुलव्विस हैं कि अपने टखनों के नीचे पैज में पॉइंट वगैरह रखना रखते हैं। तीसरा जो है मैक्सिमम लोग झूठी कस्में खा के अपने चीजों को बेचते हैं, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। बोलते हैं कि भाई मुझे तो ये 300 रियाल का ही मिला, हालांकि उन्हें मिला था 200 का, लेकिन बेचते वक्त बोलते ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, इससे अच्छी क्वालिटी कहीं नहीं मिलती, होते वो क्वालिटी उससे अच्छी भी होती है, वो सही नहीं होती, तो ये कस्में खा के वल्लाह वल्लाह बोल के झूठी कस्में खा के बेचते हैं, तो ये भी अल्लाह के पास बहुत बड़ा जुर्म है। एक दूसरी हदीस में इरशाद ग्रामी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन लोगों की तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन नहीं देखेंगे, एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरे शराब का आदि, और तीसरे देकर एहसान। यहाँ पे भी जो है ना जो दे के झुटलाने वाला है उसके पर भी जो है ना, ये इस हदीस में भी है, और दो एक्स्ट्रा है इसमें, एक माँ बाप का और दूसरा शराब का आदि। माँ बाप का नाफरमान, खैरात सदका देकर एहसान जतलाने वाला, शराबी और तकदीर को झुठलाने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा, अल्लाह ताला हम सबको बचाए इस गुनाहों से। मतलब यह है कि बगैर सजा भुगते और अजाब उठाए सीधा जन्नत में ना जाएगा, अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं उसके क्या आदाब हैं, कौन से अदब से हमको देना है। नंबर एक क्या है, जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाए इस माल का हलाल व पाक होना जरूरी है। जो भी अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं आप, हलाल से कमाया हुआ वो आपका माल होना चाहिए। दूसरा क्या है, सुन्नत के मुताबिक आपका खर्च होना चाहिए, जहां सुन्नत हमको बताती है खर्च करने का वहीं पे खर्च करना चाहिए। तीसरा, सही जगह पे खर्च होना आपका,
चौथा क्या है, खैरात के बाद जिसको खैरात दी यानी एहसान नहीं जतलाना जैसे अभी हमने पढ़ा है। पांचवा क्या है, ऐसा कोई मामला ना करना जिससे सदका वसूल करने वाले की तहकीर वाहनात हो, यानी जिसको दिए हैं आप उसके साथ जो है ना बात से या एक्ट से जो है उसको तकलीफ न देना, पांचवा ये है कबूल होने के लिए। छठा क्या है, जो कुछ खर्च किया जाए अल्लाह इखलास नीयत, इखलास नीयत किसको बोलते हैं, सिर्फ अल्लाह के लिए ना ही नमूद के लिए किसी को दिखाने के लिए अगर कोई खर्च कर रहा है तो वो जाये हो जाएगा आपका। अगर 1 करोड़ भी दिया और जो है वो किसी को दिखाने के लिए दिया, किसी शान के लिए दिया, तो उसकी कीमत अल्लाह के पास एक पैसे की भी नहीं है। अगर कोई 5 रियाल ही अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की खुशनुदी अल्लाह राजी हो जाए बल्कि देगा तो उसकी कीमत जैसे हमने पढ़ा है उसकी 500 से 700 या 700 या 7000 या जो है अल्लाह ताला बेहिसाब देंगे उसको, उसकी नियत के पे डिपेंड करता है। ये जो है ना शैतान धोखा देता है, शैतान यईदुकुमुल फखर वल यअमुरुकुम बिल फहशाई, और शैतान मोहताजी, अरे यार तू खर्च करेगा अल्लाह के रास्ते में देगा तो तू फकीर हो जाएगा, तेरे बच्चों को नहीं रहेगा, और जाने के रोकता है आपको, और क्या हुक्म देगा, यअमुरुकुम, और तुमको हुक्म देता है बिल फहशाई, बुरे बेहयाई काम के लिए करता है, अरे भाई इंटरनेट की फीस पे कर दें, अब वो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं दिए कोई बात नहीं, आपके चैनल के पैसे पे कर देंगे, और जो है दूसरे जाके दूसरे चीजों में जो अल्लाह ने मना किया है वो चीजों में खर्च करेंगे। वल्लाहु यईदुकुम मिन्हु फज़ला, और अल्लाह क्या करते हैं, अल्लाह वादा करते हैं अपनी तरफ से गुनाह माफ कर देने का और ज्यादा देने का, हालांकि अल्लाह क्या कर रहे हैं आपको, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसत वाला खूब जानने वाला है। अल्लाह तो चाहते हैं कि मगफरत कर दें आपकी, आप पे फजल करें, वादा है अल्लाह का, जो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में उनके लिए ये इनाम है, लेकिन शैतान क्या करता, हमको डलाता, दिल में डालता है, अरे वहां खर्च करने जाने तो अरे छोड़ दो, वहां कहीं को देते, खर्च करेंगे तो बच्चों को क्या देंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, तो यानी कि जो आसानी से ऐसा इस्लाम और दीन में ये भी नहीं है कि आपको जबरदस्ती की जाए और अपने पे बोझ डाल के किया जाए, लेकिन आसानी से जो कर सकते हैं उसको करना चाहिए। तो शैतान का इंसान पर क्या चलता है, यहाँ पे जो है ना एक हदीस पाक में हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान इब्ने आदम पर अपना कंट्रोल रखता है और फरिश्ता भी इंसान पर कंट्रोल रखता है। शैतान का कंट्रोल तो यह है कि वो इंसान को बुराई का वादा और हुक्म देता है, क्या करता है, उन क्या करता है शैतान, बुराई का वादा करता है और क्या देता है, उसको हुक्म देता है कि बुरे काम करो, और हक को जुटलाने पर आमदा करता है, और फरिश्ता क्या करता है, वो भलाई का वादा समझाता है और हक की तायीद कराता है। बस जिसके दिल में बुराई का वसवसा पैदा हो तो इसको शैतान रजीम की तरफ से समझकर अल्लाह ताला की पनाह। अगर खुदा ना खास्ता कभी हमारे दिल में कोई गुनाह आ जाए तो क्या करना, फौली औऊज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम पढ़ना ये, और अल्लाह की पनाह तलब करना, औऊज़ बिल्लाह पढ़ के हम अल्लाह की पनाह तलब करना, क्योंकि ये जो भी बुराई का आता, जैसे अब नमाज का टाइम होगा, अरे चल यार थोड़ा खेल लेंगे, ये जब आ रहा तो फौरी हम औऊज़ बिल्लाह पढ़ के फौरी अपनी जो है नमाज के लिए चले जाना, अल्लाह की पनाह में आ जाना, क्योंकि शैतान की तरफ से डालता है हमारे दिलों में। और आगे और एक आयत में युतिल हिकमता मन यशा, और क्या है, अल्लाह देते हैं दीन की यानी कि हिकमत देते हैं जिसे चाहते हैं, अल्लाह क्या है दीन की समझ किसको देते हैं, जिसको अल्लाह चाहते हैं उसे दीन की समझ देते हैं। ये बड़ी नेमत है कि कुछ देर हम दीन की बात सुन रहे हैं, जिस तरीके से अब हम थोड़ा सा 1 घंटा वरना यहाँ वहां बैठ के हम अपना वक्त गुजार जाते, या अच्छे में भी हो सकता था या ऐसे ही फजूल गुजर जाता था, लेकिन ये हमको अल्लाह ताला ने थोड़ी सी कबूलियत बख्शी है तो हम 1 घंटा जो है उसकी दीन की ये कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दौलत है कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसे अता फरमाते हैं दीन की सीखने समझने और उस पर अमल करने की जो सआदत देते हैं वो हिकमत अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो इस पे हमको अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और जो है अल्लाह के इसको दवाम के लिए दुआ भी करनी चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला हमको कायम रखे दीन सीखने के लिए और कुरान का खूब इल्म हासिल करने की दुआ भी करते रहना है। और यहाँ पे जो है ना और एक किस्म के लोगों के बारे में बात की गई है, अल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि, और वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं दिन में रात में और दिन में
सिर्रन व अलानिया, कभी जो है छुपा के भी देते हैं और जो है कभी अलानिया भी देते हैं, यानी बार दफा जो है दिखा के भी देना पड़ता है, लेकिन दिल में नियत नहीं होना कि मैं दिखा के दे रहा हूँ, लेकिन लोगों के लिए जो है ना दूसरे लोग देख के अरे भाई मुझे भी देना चाहिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने का जैसे लोगों को जज्बा पैदा होता, दूसरों को भी तलकीन होती है कि वो भी मैं दूं, तो इसलिए जो है बाज दफा दिखा के भी देना चाहिए, बाज दफा छुपा के भी देना है। फलहुम, बस उनके लिए अजर, अजर है, हुम इंदल्लाह, अल्लाह के पास, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उनको डर होगा ना उन पर कोई गम होगा, ना ममकुम। तो यहाँ पे जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों के बारे में इस आयत के शान नुज़ूल की रिवायत है कि जब फुकरा अल फुकरा लजीना फी सबीलिल्लाही नाजिल हुई, एक आयत नाजिल हुई, तो क्या हुआ वहां पे, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ लजीना उहसिरु फी सबीलिल्लाह, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने बहुत से दीनार असहाब सुफ़ा, जो सुफ़ा मदीने मुनव्वरा जो गए हैं, वहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ है जहाँ पे सहाबा बैठ के दीन सीखते थे, तो वहाँ के सुफ़ा के भेजे, और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आधी रात के वक्त यानि खजूर इनको भेजे, तो अल्लाह ताला ने ये दूसरी आयत नाजिल फरमाई। एक रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 4,000 दिरहम, उस वक्त के 4,000 दिरहम बहुत बड़ी अमाउंट थी, खैरात किए, 1,000 रात को 1,000 दिन को, 1,000 छुपा ये पूरे टाइप से दिए, दिन में दिए, रात में दिए, छुपा के दिए और दिखा के दिए, यानी कि ये 4 तरीके से सदका दिया जा सकता है। यहाँ पे हमको ये बात पता चल रही, 1,000 दिन को, 1,000 छुपा कर, 1,000 अलानिया बताकर उस वक्त इस आयत का नुजूल हुआ। तो गो शान नुजूल खास हजरात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के मुतालिक हो, मगर मजबून आम के लिए है, ये असल तो बात तो सहाबा के लिए है, लेकिन ये जो है सब के लिए है। अब दूसरी जो है बहुत ही उसकी बात है ये कि सूद के बारे में है बात। अब तो अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, क्या है यहाँ पे, जो खाते हैं सूद, सूद जो खाते हैं उनके बारे में बात हो रही, जो सूद लेते हैं, तो क्या करेंगे, जो लोग सूद खाते हैं नहीं खड़े होंगे, मगर जिस तरह खड़ा होता है ऐसा शख्स जिसको शैतान खपती बना दे, जिसको एक दीवाना बना दे, खपती के मुराद जो है जैसा शैतान एक दीवाना बना देता है, तो जो रिबा लेके लोगों के सामने ऐसा रहेगा उन जैसे शैतान ने उनको क्या करा, दीवाना बना दिया। ज़ालिका भी अन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये क्या बोलते हैं ये लोग जो है ना, जो दौर में काम करते थे वो लोग बोलते थे कि दोनों तो सेम ही है, उसमें भी जो है बेनिफिट मिलता है, इसमें भी बेनिफिट मिलता है, वो प्रॉफिट रहता है, ये भी प्रॉफिट ही है, लेकिन दो चीजें अलग हैं, प्रॉफिट अलग चीज है और सूद अलग चीज है। सूद के बारे में बहुत ही बड़ी वईद है, रिबा सूद इंटरेस्ट जिसको कहते, रिबा अरबिक में कहते, तो ये बहुत बुरा है, इसके बारे में अहादीस में बहुत यानी कि अजाब के बारे में भी है और बहुत बड़ा गुनाह के बारे में बताया गया है। अब यहाँ बच्चे हैं मैं उस लिए जो है वो हदीस को नहीं बता रहा हूँ। इस जुमले में सूदखोरों के अंजाम में बद और महशर में उनकी रिसवाई, जब क़यामत में उनकी रिसवा होने को बताया गया है। हदीस शरीफ में आया है कि खड़े होने से मुराद महशर में कब्र से उठना है। सूदखोर जब कब्र से उठेगा तो पागल, उस पागल और मजनून की तरह उठेगा जिसको किसी खबीस जिन ने लिपट कर खपती और दीवाना बना दिया। आप देखे होंगे बाज लोग जो है अजीब दीवाने, कपड़े फाड़ लेके जिस तरीके से फिरते हैं, उन्होंने क्या बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं उनको पता नहीं होता, तो ऐसे बन जाते हैं, क्या अल्लाह ताला उनको कब्र से ऐसे उठाएंगे। इस जुर्म सूदखोरी को इस सजा से मुनासिबत की है, जो सूदखोर की खपती बनाकर महशर में उठाया जाएगा, तो उलमा ने लिखा है कि सूदखोर दुनिया में पैसे की हिर्स में इस कदर मदहोश होता था, दुनिया में क्या है उन खाली पैसे गिनने में, पैसे वो मुफ्त में मिलने के जो है ना उन मदहोश हो जाता था, तो उसको ना किसी गरीब पर रहम आता था ना किसी की शर्म माने होती थी, ऐसे जालिम है दुनिया में,
तो वो जो है सूद पे सूद लेते रहते हैं, जैसे किसी को 50,000 में कोई ऑटो या कोई चीज दिला दे, बेचारे जो है वो सूद पे सूद देते देते जब टाइम पे नहीं देते तो उसकी 50 के बजाय 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपया जो है उनसे लेते हैं। तो ये सूद इतनी बदतरीन चीज है, इससे बचना हम सबको जरूरी है। सूद खोरों का दोहरा जुर्म, डबलिंग का जो है ना गुनाह है, क्या है ये उनका जुर्म क्या है? ये सजा इसलिए होगी कि इन लोगों ने कहा था कि बे भी तो वही है, मिसाल यानी इंटरेस्ट और जो है प्रॉफिट दोनों सेम है बोलते थे ये लोग, तो इसीलिए जो है ना उनको सजा की वजह बैन फरमाई गई। इन लोगों ने दो जुर्म किए, एक तो बजरिया सूद के हराम माल खाया, दूसरे इसको हलाल समझा। पहले तो जो है ना हराम खाए, फिर उसके बाद इसको हलाल भी समझा, पहले तो हराम था फिर इसको हलाल भी समझ के खाए, और तिजारती कारोबार सूदी लेन देन को यकसा करार दिया, जो प्रॉफिट को भी और इंटरेस्ट को सेम बोलते थे वो लोग, इसीलिए ये लोग जो है ना डबल गुनाहगार हुए। ये अल्लाह ताला के मना करने के बावजूद وَأَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ الربا, और अल्लाह ने हलाल की है आपको बे यानी बेच के जो मुनाफा प्रॉफिट आता उसको अल्लाह ताला उसको हलाल किया है, وَحَرَّمَ الربا, और हराम किया है रिबा। فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ, और जो शख्स इसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत पहुंची और वो बाज आ गया, यानी कि जिसको बात पहुंच गई अल्लाह की और उसने रुक गया, तो उसके लिए क्या है? फलहू मा सलफ, कुछ पहले हो चुका, जो पहले अगर से कुछ गुनाह हो चुका है लेते थे पहले कोई, तो मुशरिकीन मक्का के बारे में जब ईमान ला लिए वो लोग तो बाद ने छोड़ दिया, बाद ने वो लेने की कोशिश में थे, तो जब ये आयत तो नाजिल हुई थी वह अमरहु इलल्लाह, और जो है मामला इसका अल्लाह के पास छोड़ दें। वमन आदा फउलाई का, और जो शख्स फिर औद करे तो ये लोग दोजख में होंगे, या फिर जो है ना उसकी बात को ये नहीं करेंगे तो वो लोग तो जख्म में होंगे। थोड़ा सा और खत्म करते हैं। तो अब ये सूद के बारे में आपको बहुत ज्यादा हदीस साइंस को फिर कभी जो है सूद की डिटेल में ही पढ़ेंगे हम। आखिर में एक दो चीजें मैं यहाँ पे बता दूं, एक तो जो है और एक जो आयत है लिल्लाहि मा फिस समावाती, ये जो है ना बहुत आयतों में से ये भी बहुत ऊंची आयत है। सही बुखारी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत में थोड़ा पढ़ देता हूँ, लिल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज, ये सारे बच्चों को भी याद होनी चाहिए ये आयत भी, जैसे आयतुल कुर्सी की तरह इसकी भी फजीलत है। अल्लाह ताला ही की मुल्क है सब जो कुछ आसमानों में, अल्लाह ताला ही के लिए सब सारे जो कुछ है आसमानों और जमीनों में। व इन तुब्दु मा फी अनफुसिकुम, और जो कुछ तुम छुपाते हो अपने जानों में और तुफ्फू या बताते हो, युहासिबकुम, इसका हिसाब किताब देना होगा आपको। आप या बता के कोई गुनाह कर रहे हैं या अनजान में दीवारों के बीच में कोई गुनाह कर रहे हैं, ये सब का हिसाब किताब अल्लाह के पास होने वाला है। फयगफिरु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसको चाहे बख्शते हैं, वयुअज़्ज़िबु मन यशा, और जिससे अजाब चाहे अल्लाह ताला दे सकते हैं, चाहे बड़े से बड़े गुनाहगार को अल्लाह ताला चाहे माफ कर सकते हैं, उसके कब्जे कुदरत में है। और कोई बहुत बड़ा इबादत गुजार भी है, खुदा ना खास्ता एक आधा चीज पे भी उसको पकड़ कर उसको अजाब दे सकते हैं, ये अल्लाह के बस में है। अगर अल्लाह किसी को बख्श दे दे तो कोई पूछने वाला नहीं है, अल्लाह किसी को पकड़ ले तो कोई पूछने वाला नहीं है, उसी उसका है सब सारा ये। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, वही इस आयत में कह रहे हैं अल्लाह तबारक तआला, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, जिसे चाहे छोड़ दें जिसे चाहे पकड़ लें, ये अल्लाह की कुदरत में है, कब्ज़े कुदरत में है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मोमिनून, और यहाँ क्या है, ईमान लाए रसूल पर, बिमा उन्ज़िला, और जो कुछ उन पर उतारा गया, इलैहि मिन रब्बिहि, रब की तरफ से, वल मोमिनून, और मोमिन हो गए और मोमिन भी। उसके बाद कुल्लुन आमना बिल्लाहि, अल्लाह ताला सब के सब अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के साथ और फरिश्तों के साथ और किताबों के साथ और उसके पैगंबरों के साथ, कुल्लु नामना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि, ये सब के साथ ईमान लाते हैं। रब्बना वला तहमिलना, ऐ हमारे रब हम पर बोझ ना डाल, अलैना इसरन का मा हमलतहु, पर कोई सख्त हुक्म ना भेजिए जैसे हमसे पहले लोगों पर आपने भेजे थे, अल लजीना मिन कबलिना,
हमसे पहले लोगों पर आपने भेजे थे। रब्बना, ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब, वला तुहम्मिलना, ना और हम पर कोई ऐसा बार ना डालिए जिसकी मा क्या है मा ला तौखत लना, जिसकी हम पर ताकत ना हो, भी जिसकी हमको ताकत ना हो। वाफु अन्ना, और हमको दरगुजर कर दे। वग़फिर लना, हमें बख्श दे। वरहमना, और हम पर रहम फरमा। अंत मौलाना, बेशक आप मौलाना हैं। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, हमारे आका हैं मौलाना समीन, हमारे आका हैं, बस हमारी मदद कीजिए काफिर कौम पर। तो और एक सूरह बकरा की फजलत, जो अब हमने सूरह बकरा ख़त्म पे है, तो ये जो है सूरह बकरा कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत थी, तकरीबन 2.5 पारा है और जिसमें 286 आयत है और 40 रुकू हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ुल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सूरत जिसमें बकरे का जिक्र है कुरान पाक का मीज़ान है, तुम लोग इसको सीखो, सीखना बरकत है और इसको छोड़ देना बास हसरत है, इस किताब नहीं ला सकते कि इसको या जो रात में पढ़ के भी सोएगा तो इसको जो है ना आखिरी आयत को उसके लिए क्या है कि आपको तहज्जुद पढ़ने का अजर मिलेगा। तो इसको कोशिश करना चाहिए कि हम इसको सीखें और इसके मीनिंग्स को भी थोड़ा सा गौर करके पढ़ें। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा अन्त अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सूरह इमरान पढ़ना था थोड़ा टाइम का, तो आठ पारा पढ़ सूरह आले इमरान कल कल बोलना था, उसमें से पढ़ देंगे, डिटेल बोलना से लंबा थोड़ा इंटरेस्ट भी होता है तो एकदम बच्चा।